फिरोजाबाद एसएसपी के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों पर लगातार फिरोजाबाद पुलिस शिकंजा कस रही है और इसी क्रम में एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और सिरसागंज पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें नारियल के पीछे छुपा हुआ बोरियों में 480 किलो गांजा आगरा और मथुरा के लिए सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो गांजे की सप्लाई करता है, जो कि कासगंज का रहने वाला है, जिसका नाम सत्येंद्र है। वहीं तीन तस्कर इसमें फरार हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस बाकी तस्करों की भी तलाश कर रही है। देखिए, विगत कुछ दिनों में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में कल सिरसागंज पुलिस और द्वारा एसएजी और सर्विलांस की मदद से एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें से 4 क्विंटल 80 kg गांजा बरामद किया गया है। इसमें तीन लोग, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, सत्येंद्र पुत्र मेवार जो कि कासगंज का रहने वाला है। इसके तीन अन्य साथी जो भाग इस मतलब मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, एक मौके से फरार हो गया। बाकी दो लोग जो ये गांजा है ये मंगवा रहे थे और ये लोग आगरा और मथुरा में सप्लाई करते हैं इसका। इनके विरुद्ध मुकदमा लिख लिया गया है। एक ट्रक जो जिसमें ये लोग गांजा रख कर ला रहे थे, नारियल के नीचे ये गांजा रख कर दबाया हुआ था, तो सिरसागंज पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली। उसके आधार पर सिरसागंज पुलिस, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम ने इस ट्रक को रोका कटफोरी चौकी के पास और वहाँ से ये 4 क्विंटल 80 kg गांजा बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में देखा जाए तो इसकी कुल कीमत लगभग 50 लाख के आसपास होगी।